वेलकम टू साविज रेसिपीज़। आज हम बना रहे हैं पालक पनीर, जो कि बहुत क्रीमी, टेस्टी और साथ ही साथ हेल्दी भी होती है और अधिकतर सभी की फेवरेट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पालक पनीर बनाना। टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए साविज रेसिपी चैनल को और साथ ही में जो बेल बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यहाँ पर मैंने ये पालक लिया है, जिसे इस तरह से तोड़ लिया है। ये एक पंच पालक है, इसे साफ धो लिया है। अब यहाँ पर मैंने पैन लिया है गरम करने के लिए। इसमें पानी डालेंगे आधा कप और इसी में 7 से 8 काजू डाल देंगे। काजू गरम पानी में अच्छी तरह से सोख हो जाएंगे और अच्छा पेस्ट बन जाएगा उसका। अब इसी में हम पालक डाल देंगे। हम पालक का पानी यूज़ नहीं करेंगे, इसीलिए इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा ही डालकर ये पालक अब स्टीम होने देंगे। इसे ढक देंगे। हमें पालक सिर्फ सॉफ्ट होने तक ही स्टीम करना है। इसे एक बार थोड़ा मिक्स कर लेंगे और पालक ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो पालक पनीर का कलर ग्रीन नहीं आएगा। तो हल्का बस पालक सॉफ्ट हो जाए इतना ही पकाना है। ये पालक अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है, इतना काफ़ी है। इसका गैस बंद कर लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पैन लिया है मैंने, इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज भूनेंगे। तेल वगैरह नहीं डालना है, बस ऐसे ही भून लेना है। और याद रखिए, प्याज का भी कलर नहीं चेंज करना है हमें, इसे बस भून लेना है, एक रॉ स्मेल निकल जाए, नहीं तो पालक पनीर का कलर अच्छा नहीं आएगा। अब यहाँ देखिए पालक ठंडी हो गई है पूरी तरह से, इसे मिक्सर के जार में निकाल लेंगे। पालक में काजू और जो प्याज जो हमने भूना है वो डालकर साथ में ही पीसेंगे हम। इससे पालक पनीर का कलर नहीं चेंज होता, कलर बहुत अच्छा आता है। तो देखिए ये प्याज भी इसी में डालेंगे। ये पूरी प्याज डालकर इसमें लगभग आधा कप के आसपास पानी डाल रही हूँ मैं। थोड़ा पानी डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे, एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है इसका। ये देखिए इस तरह से ये पेस्ट बनकर रेडी है हमारा। ये देखिए मैंने मिक्सर का जार लिया है, इसमें डालेंगे 4 हरी मिर्च और 6 से 7 लहसुन की कलियां, और इसमें बिल्कुल 1 से 2 चम्मच पानी डालकर इसे भी पीस लेंगे। ये देखिए इस तरह से पीस लिया है। ये देखिए अब यहाँ मैंने एक पैन लिया है, इस पैन में ऑयल डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून। ये मैंने सेम पैन लिया है जिसमें प्याज भुना था। तेल गरम हो गया, इसमें ये जो मिर्ची और लहसुन का जो पेस्ट है ये डालेंगे और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए ये प्याज, पालक और काजू का जो पेस्ट है ये डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से थोड़ा भून लेंगे। देखिए ये भून लिया है थोड़ा सा। अब इसमें देखिए मिक्सी में जो पीसा था ना, उसमें भी पानी लेकर लगभग आधा कप पानी में ऐड कर रही हूँ। आप इसकी कंसिस्टेंसी अपने ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, जिसे इस तरह के बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लिया है। ये पनीर अब ऐड कर देंगे इस ग्रेवी में। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर पालक पनीर का आपको कलर अच्छा चाहिए तो याद रखिए पालक बॉईल करते वक्त उसे ओवरकुक मत कीजिए। देखिए इसे लो फ्लेम पर थोड़ी देर पकने देंगे, इसे ढक कर लगभग 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। ये देखिए 3 मिनट हो गया है और काफ़ी अच्छी दिख भी रही है हमारी ग्रेवी, और इसका देख सकते हैं आप कलर भी पालक पनीर का बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच फ्रेश क्रीम, 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ।
अगर आपके पास क्रीम नहीं हो तो आप दूध के ऊपर जो मलाई आती है ना, वो मलाई भी डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे और इसे ढक कर लगभग 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। ये लगभग 3 मिनट हो गए हैं और बस ये पालक पनीर बिल्कुल रेडी है हमारी। पालक पनीर में क्रीम बहुत ज़रूरी है, क्रीम नहीं तो आप मलाई डालिए, बट डालिए, उससे पालक पनीर का टेक्सचर और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो अब इसे सर्व कर लेंगे। आप भी ये रेसिपी अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप होटल का पालक पनीर खाना भूल जाएंगे। तो चलिए अभी के लिए बाय।